उज्जैन में आज भारतीय जनता युवा मोर्चा के एक कार्यकर्ता ने अपनी ही पार्टी की पूर्व महिला पदाधिकारी के खिलाफ पुलिस कंट्रोल रूम पर एसपी कार्यालय के बाहर धरना दे दिया। उज्जैन में रहने वाले लखन चौहान नामक युवक, जो कि भारतीय जनता युवा मोर्चा मंडल के उपाध्यक्ष हैं, उन्होंने अपनी ही पार्टी की महिला पदाधिकारी श्रेष्ठा जोशी पर अश्लील गाली देने, जाति सूचक शब्दों का उपयोग करने और धमकी देने के मामले में एक मामला अजाक थाना में दर्ज करवाया था। दोनों ही पार्टी के पदाधिकारियों के बीच की बातचीत का एक ऑडियो भी वायरल हुआ था, जिसके बाद पुलिस ने ऑडियो के आधार पर महिला पदाधिकारी श्रेष्ठा जोशी के खिलाफ मुकदमा कायम करा था, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी न हो पाने के चलते नाराज पीड़ित लखन ने आज एसपी कार्यालय के बाहर धरना दे दिया और अपनी ही पार्टी के मुखिया के खिलाफ नारेबाजी लगाई। वहीं पुलिस के खिलाफ भी नारेबाजी की लखन का आरोप है। पुलिस जोशी का गिरफ्तार करने से बच रही है, जबकि कोर्ट से पूर्व में श्रेष्ठा जोशी की अग्रिम जमानत खारिज हो चुकी है। 27 फरवरी को इंदौर के पूर्व भाजपा नेता श्रेष्ठा जोशी के खिलाफ एसोसिएशन में शिकायत कर दी, जिसमें मामला पंजीबद्ध हुआ है और अपहरण जैसे गंभीर धारा में पूरा मामला पंजीबद्ध है, क्योंकि 4 महीनों के आज तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हो रही। ठीक है, पुलिस प्रशासन इतना कमजोर है कि उसकी गिरफ्तारी नहीं कर पाए, क्या उसका दर्द इतना बड़ा है कि उसकी गिरफ्तारी के लिए सोचना पड़े। मैं माननीय आई जी साहब को भी मिलने गया था, उन्होंने 2 दिन का आश्वासन दिया है, और इसलिए हम पूरे हम दलित समाज के लोग हम यहाँ पर धरना देते हैं। तो माननीय एस पी साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि मैं 2 या 3 दिन में उसकी गिरफ्तारी करवाता हूँ, मतलब होती है 2 या 3 दिन में उसकी गिरफ्तारी नहीं होती है तो मेरा पूरा दलित समाज हम ये भूखल को धरना देंगे। आगे की यदि अगर श्रेष्ठा जोशी की गिरफ्तारी अगर नहीं होती तो पूरा दलित समाज सरकार से नाराज है, इसका कहीं ना कहीं चुनाव में परिणाम गलत आएगा और मेरा पूरा दलित समाज यहाँ पर हम भूख हड़ताल पर धरना देंगे अगर 3 दिन में उसकी गिरफ्तारी नहीं होती है।